देश के अंदर बसने वाले तमाम 130 करोड़ वासियों को आदाब अर्ज है। आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड के अंदर उस खबर के बारे में जिस पर दलाल मीडिया बिल में दुबक कर बैठ गया है। क्या दलाल मीडिया बोल नहीं रहा है? जी हाँ, दलाल मीडिया इस कदर बोलता है कि लोगों के कान पक गए हैं, उनकी बातें सुनकर कानों में दर्द होने लगता है। एक तरफ तो देश की GDP मईशियत इकोनॉमी इतनी खस्ता हाल होती जा रही है कि जिसको लेकर हर हिंदुस्तानी को फिक्रमंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जेब के ऊपर अब बहुत ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। लेकिन वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया जो सरकार से सवाल करे, सरकार से पूछे कि एक मईशियत इकोनॉमी, देश की GDP जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाती है, मुल्क में बसने वाले करोड़ों लोगों को खुशियां देती है, वो GDP मईशियत इतनी कमजोर होती जा रही है, उस पर सवाल करने की बजाय गोदी मीडिया, दलाल मीडिया आज सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हो गई थी उसको लेकर बैठी हुई है। रोजाना रिया चक्रवर्ती के ऊपर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कंगना रनौत अगर कोई बयान दे दे उसको जो है हेडलाइन बनाकर दिखाया जा रहा है। देश के अंदर न जाने कितने फौजी जवान शहीद हो जाते हैं, कितने हमले होते हैं, बहुत हमले हुए, उन पर कोई बात नहीं हुई, उनके केस की जांच हो, कोई ऐसी बात मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी नहीं की। एक सुशांत सिंह राजपूत दुख हमें भी है, लेकिन जिस तरह से उस पर पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया लगा हुआ है और वहीं GDP को छोड़कर पूरी दलाल मीडिया जो है सरकार की जो चाटुकारिता कर रही है वो बहुत दुखदायक है। नाज़रीन किराम, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का एक बयान हमारे सामने आ रहा है जिसमें वो कई अहम खुलासे कर रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे दलाल एंकर तो रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़े हुए हैं। रघुराम राजन ने कहा है कि अमेरिका और इटली की भी GDP गिरी है, लेकिन जिस कदर भारत की GDP को नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं आवाम को नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर मुल्क जो हैं, तमाम कंट्रियां हैं, उनकी GDP को नुकसान पहुंचा है। जो आंकड़े हमारे सामने निकल कर आए थे, 10% नुकसान पहुंचा था अमेरिका की GDP को, लेकिन हिंदुस्तान की GDP जिस कदर इस मर्तबा गिरी है, 70 सालों में आज तक कभी ऐसा सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं रघुराम राजन ने कहा है कि सरकार की जो सहायता सुविधाएं होती हैं वो डायरेक्ट लोगों तक नहीं पहुंच रही है। और यही नहीं, रघुराम राजन ने कहा है कि देश के अंदर रहने वाले 130 करोड़ वासी, उनके जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, वो उनको इस जो जैसी हालत, जैसी सिचुएशन बन रही है, उसकी वजह से स्कूल से निकाल लेंगे और उनको भीख मांगने के लिए भेज देंगे। और बहुत से लोग जो हैं अपना सोना जेवरात बैंकों के अंदर रखकर लोन लेने पर मजबूर हो जाएंगे, कर्ज लेने पर मजबूर हो जाएंगे, और छोटी छोटी कंपनियां जो काम कर रही हैं वो कर्ज बढ़ने की वजह से बंद होती जाएंगी और उनमें काम करने वाले कर्मचारी वो बेरोजगार होते जाएंगे। और इसी तरह से पूरे देश की GDP के समेत जितने भी कर्मचारी और छोटी कंपनियां हैं, कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और छोटी कंपनियां तमाम बंद हो जाएंगी। तो रघुराम राजन ने कहा है कि सरकार को अपनी नीतियों को सुधारना चाहिए, अपने जो फैसले ले रही है उन पर सोच विचार सही से कर तमाम सुविधाओं को डायरेक्ट जनता तक पहुंचाना चाहिए। तो रघुराम राजन के इस बयान पर आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और GDP और बेरोजगारी जिस तरह से पूरे मुल्क में बढ़ रही है और ऐसी खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों तक नहीं पहुंचाता, तो आप लोग इन खबरों को आगे ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।